हमारे बीच के अंदर बहुत तादाद के अंदर महिलाओं ने शिरकत ली है और बहुत दूर दूर से यहाँ रामलीला मैदान के अंदर आए हैं। आज ये स्वतंत्र मजदूर यूनियन के तहत यहाँ महिलाओं ने बहुत भागीदारी अपनाई है। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या, किन मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के अंदर आई हैं। मैडम आपका नाम? सौ प्रफुल्लता लोनारे। लोनारे, हाँ। लोनारे जी आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण आपके यहाँ आने का? हम आंगनवाड़ी मांगों को लेकर आए हैं। क्या मांगे हैं आपके आंगनवाड़ी की? आंगनवाड़ी की हमारी बहुत सी मांग है, यानी कि पहले हम मानदान, अभी तक हम मानधन पर ही है, लेकिन मानधन जो सरकार हमें दे रही है उससे आंगनवाड़ी सेविकाओं का गुजारा नहीं होता और महंगाई इतनी बड़ी है कि वो हाल में तो नहीं होता, तो इसीलिए हमारे मानधन तो अभी तक उन्होंने बढ़ाया नहीं। लेकिन अभी 2 अक्टूबर 1975 से आंगनवाड़ी सेविकाओं का यह हुआ है गठन, तब से लेकर अभी तक हमें मान सम्मान भी नहीं मिला। यानी हम आंगनवाड़ी सेविका सिर्फ मानधन ही है, हमें हक हमारा कुछ अभी तक नहीं मिला है। लेकिन तो, मैडम आपको तो जब रखा गया था एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखा गया था, सोशल वर्कर के रूप में रखा गया था, तो आज आप कह रही हैं कि हमारा वेतन होना चाहिए। हमें रखा गया था लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे काम, हमारे से काम लिया जाता ना, यानी जो जो वरिष्ठ अधिकारी उनका काम है, जैसे जैसे तलाठी, ग्राम सेवक, यानी उप जिला रुग्णालय वो कर्मचारी, उनसे वो काम भी हमारे मत थोप दिया गया है सरकार ने। और हम काम करते हैं, दिन भर घूमते हैं, हम काम करते हैं, लोगों के चूल्हों तक हम जाते हैं, उनको सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो उनको दिया जाता है। अभी हर साल हमारे कोशिश करने के साथ साथ हर साल यानी कुपोषण भी 2% घटा है और मृत्यु भी घटा है, जो बाल मृत्यु भी घटा है और मृत्यु दर भी घटा है, मृत्यु दर भी घटा है। ये आंगनवाड़ी सेविकाओं का काम है लेकिन उसका फायदा, हाँ, लेकिन वो हमें नहीं देते हैं, वो यानी वो देता है वो NAM या रुग्णालय के कर्मचारियों को, वो अपने हमने किया ऐसा कहते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, जो हम काम करते हैं वो काम नहीं करते। और हमारे काम करने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद जो हमें मानधन जो दिया जाता है वो यानी बहुत अल्प, यानी बहुत कम, तो उससे अभी ये महंगाई के हिसाब से, जैसे अपन अभी सिलेंडर का भाव लो या आंगनवाड़ी या कोई रूम लो और या जैसे बिजली, अगर और पढ़ेंगे कैसे हम बच्चों को, ये यानी 5000 जो मानधन मिलता है, आप सोचिए 5000 में ये सब कुछ होता है क्या? जो अभी तक पंकजा मुंडे ने 5000 से लेकर हमें 1500 बढ़ाया है, सिर्फ 1500 राज्य सरकार ने बढ़ाया है, केंद्र सरकार का अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी हम काम करते हैं, यानी बेटियों को बचाना कैसा, ये भी हम गर्भवती यानी महिलाओं को हम संदेश देते हैं, पढ़ाओ ये भी देते हैं, हम वो भी काम करते हैं, लेकिन उसका हमें मुबदला कुछ भी नहीं मिलता है। हम यानी मानधन पर रखे थे तो हम मानधन तो अभी लेते आए हैं, लेकिन अब आगे हम वेतन के लिए लड़ेंगे और हमें वेतन चाहिए। वो माननीय PM मोदी जी यानी आंगनवाड़ी सेविकाओं के काम के बारे में सराहना करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका इतना अच्छा काम करती है कि यानी, लेकिन वो हिसाब से हमें अभी तक हमारा जो हक है वो बदला या हक है अभी तक नहीं मिला। धन्यवाद।